थैंक यू। यस, बुरा लगता है जब आप वोटिंग के बेसिस पे नहीं और रूल ब्रेकिंग के बेसिस पे बाहर आते हो, जो आपने किया नहीं है। आपकी गलतियों का मतलब होता है ना कि आपकी गलती नहीं और आपको भुगतना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ हुई है मेरे साथ स्पेशली, तो वो नहीं होना चाहिए था। और एक किसी एक इंसान के हाथ में ये पावर नहीं देनी चाहिए आपको निकालने की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत लोगों की टीम इसके पीछे काम करती है, किसी पर्पस से काम करती है। तो उनका पर्पस अगर सॉल्व नहीं हो रहा है और आप उनकी उम्मीदों पर ही पानी फेर रहे हैं, तो आप गलत हैं वहाँ पर। सो इट वॉज़ वेरी अनफेयर। यस, देखो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ईशा किसके साथ रह रही थी। वो एक तरह से चमची बन चुकी है वापस अंकिता दी। मंकू यार जो करती है ना, वो बहुत क्लियरली विजिबल था। और ईशा के लिए मैं एक थ्रेड बन चुकी थी, क्योंकि मैंने उनको नॉमिनेट किया था और मैं उनकी चीज़ें पॉइंट आउट कर रही थी, कॉल आउट कर रही थी। सो इस वजह से उनको लगा कि ऐश्वर्या भारी पड़ रही है मुझ पर, तो निकालो इसको। क्योंकि नील उस पर भारी नहीं पड़ रहा था, उस पर भारी मैं पड़ रही थी, जबकि ईशा का मुझसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था। तो हाँ, ईशा ने मुझे निकाल दिया। नहीं किया गया है एड्रेस, किया गया है, क्योंकि मैं वो चीज़ भूल गई थी जो मैंने पिछले बार नहीं बोली। वीकेंड के बार पे जब मुझे डांटा गया, उसके बाद उन्होंने सर ने यही बोला कि ये बात मैंने एक को बोली है, बट विक्की ये तुम्हारे लिए भी था, क्योंकि तुम दोनों ऐसा करते हो। तो दोनों को ऐसा बोला गया था। और यार एक तरीके से मेरे लिए अच्छा ही हुआ, अगर मुझे कोई चीज़ का गाइडेंस मिल रहा है तो मैंने तो सुधार लाया है ना अपने में। उसके बाद उस पर बात नहीं हुई, सो इट्स गुड फॉर मी टू। वो गेम गेम नहीं है जहाँ पे आपको कॉपी करनी पड़े। वो बोलते ना फर्रे फर्रे, जो एक फिल्म का प्रमोशन हुआ था फर्रे, सो वो कॉपी पेस्ट की हुई चीज़ें वहाँ पे वो चली जा रही है उनकी, और कुछ मज़ा नहीं आ रहा। कुछ नया अगर करते अपने दिमाग से, जो उनमें है नहीं, तो बेटर होता उनके लिए भी। तो ठीक है, खेलिए आप अपना जो भी खेल रहे हैं आप, घिसा पिटा रटा रटा या चटा चटा या गेम, गुड फॉर यू। नील को वोकल होना चाहिए फॉर दिस गेम, यस, और इन जनरल ऑल्सो, क्योंकि वीक तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी उसमें एक रेज आ गई है कहीं ना कहीं, और मैंने देख लिया है मेरे जाने के बाद जो वो चिल्लाया है ईशा पे, एंड यस बहुत हर्ट है, क्योंकि ही वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग। तो यही हुआ था कि, और सबसे बड़ी बात, रूल ब्रेकिंग के आधार पे मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं एक बहुत डिसिप्लिन्ड लड़की हूँ इस मामले में। अपने चीज़ें टाइम पे करती हूँ, अपना काम टाइम पे करती हूँ, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, और जहाँ बोला गया है रूल ब्रेक नहीं करती तो नहीं करती हूँ। सो ठीक है, अगर ईशा को लगता है ये चीज़, और उसने बोला भी है क्लियरली यार कि मैं इसी पे आधार पे निकालना ज़रूरी है क्या, मेरी जिससे नहीं बनती मैं उसको निकालूंगी, तो वो क्लियर है। ईशा ने अपनी पर्सनल ग्रजेस निकाली है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यस यस डेफिनेटली, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। डिसएडवांटेज तो है, और मेरा लॉस हुआ है इसमें, क्योंकि मैं बाहर हो गई और बाहर आके देखा कि मैं बहुत स्ट्रांग आ रही थी स्क्रीन पे, और शायद कहीं ना कहीं ईशा को ये फील हो गया होगा कि मेरे लिए थ्रेट है, इसीलिए उसने मुझे निकाल दिया। अरे हस्बैंड वाइफ है यार, वो उनकी केमिस्ट्री, उनका इक्वेशन, आई डोंट नो उसने हाथ उठाया, मतलब देखा तो है क्लिप में पर पता नहीं,
कि उनका क्या है अब एक, वो आई डोंट नो हीट ऑफ द मोमेंट होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, बंद कमरे में वो लोग कैसे लड़ते हैं, वो हस्बैंड वाइफ है, मैं उस इक्वेशन पे मैं क्या ही कमेंट करूँ, बट हाथ नहीं उठाना चाहिए अगर ऐसा है तो, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स उठी हैं, मतलब कमेंट्स किए लोगों ने, सवाल उठे हैं, तो वैसा नहीं है जैसा दिखता है, तो जज करने वाले हज़ार लोग हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, हाँ विक्की ने कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि अगर जा रहे तो हंसी खुशी रहेंगे, कुछ प्लानिंग नहीं हुई थी और आपने देख लिया कि कितना हंसी खुशी वो अंदर रहे हैं हमारे साथ, वो शुरुआत से ही हमारे अगेंस्ट गए हैं, तो इट्स वेरी क्लियर कि वो लोग प्लान करके आए थे, हम नहीं प्लान करके गए थे। एक्टिंग कर रहे हैं बस, इतना ही कहना चाहती हूँ, ही इज एक्टिंग। क्योंकि हमें ऐसा उम्मीद था कि मुनव्वर एक मास्टरमाइंड प्ले करेंगे, मुझे भी लगा था और मैंने बहुत एडमायर किया उनको शुरुआत में, बट ही डिडंट डू एनीथिंग। कभी हमने ऐसा देखा मनारा के साथ उनका कुछ लव, आई थिंक यही उनका गेम प्लान है शायद, कि लड़की का सहारा लो और आगे बढ़ो, खुद का कुछ है नहीं उनका, खुद का कोई स्टैंड नहीं है मेरे ख्याल से। अंकिता का गेम कैसा? फ्लॉप। फ्लॉप ही है, क्या है नया, वो हस्बैंड के कहने पे तो चलती हैं, वो खुद का कुछ गेम नहीं है उनका, जो विक्की बोलता है उनको वो करना पड़ता है और वही कर रही हैं। लास्टली क्या कहना चाहोगे नील अंदर है ऑडियंस को, फैंस को, जो आपके फैंस हैं उनके फैंस हैं इंडिविजुअल, क्या उन्हें मैसेज देना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 नील को सपोर्ट कीजिए, अब मैं बाहर आ गई हूँ तो आई जस्ट वॉन्ट हिम टू विन, और नील एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही फेयर पर्सन है, जो हमेशा उसने जस्टिस किया है हर एक किसी के साथ, तो प्लीज़ उसके लिए वोट कीजिए और उसको जिताइए। थैंक यू, थैंक यू।